हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आरएसएस के सर संघचालक डॉक्टर भागवत आर से राजस्थान दौरे पर जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत शनिवार से 10 जुलाई तक राजस्थान प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उत्तर पश्चिम इलाके के क्षेत्र संघचालक डॉक्टर रमेश ने बताया कि डॉक्टर भागवत शनिवार सवेरे 10:40 पर जयपुर आएंगे। दोपहर तक डॉक्टर भागवत भारती भवन में ठहरेंगे। इसी दिन दोपहर 2:30 बजे चूरू जाएंगे और वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। भागवत शनिवार को सुबह 9 बजे चूरू से रतनगढ़ पहुँचेंगे और 10 बजे से 12 बजे तक रतनगढ़ गुलीचा ज्ञान मंदिर में 13 पंथ संघ के आचार्य महाशमन से चर्चा करेंगे। इसी दिन दोपहर 12 बजे रतनगढ़ से चूरू रवाना होंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। आरएसएस के सर संघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत के शेड्यूल के मुताबिक वह 4 से 10 जुलाई तक झुंझुनू में रहेंगे और अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में शामिल होंगे। प्रांत प्रचारक की मुख्य बैठक 7 से 9 जुलाई तक होगी। बैठक में देश भर के सभी प्रांत प्रचारक तथा सप्रांत प्रचारक शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर रमेश ने बताया कि प्रांत प्रचारक बैठक में संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बाले सहित सभी सर संघ कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल, डॉक्टर मनमोहन वैद्य, श्री आर मुकुंद, अरुण कुमार व रामदत्त शामिल होंगे। बैठक में संघ के सभी कार्य विभाग प्रमुख व अखिल भारतीय कार्यकारिणी के प्रचारक सदस्य एवं विविध क्षेत्र के कुछ अखिल भारतीय स्तर के संगठन मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक संगठन संबंधित विषय पर केंद्रित रहती है। इसमें संघ के प्रशिक्षण वर्ग, संघ शिक्षा वर्ग के वृत्त एवं समीक्षा, आगामी वर्ष की कार्य योजना, प्रवास योजनाओं आदि विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही संघ के शताब्दी वर्ष कार्य विस्तार योजना पर भी विचार विमर्श होगा। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।